बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू रीड सम ग्रामर और ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच सो द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव द पार्ट ऑफ नाउन अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया ये तो आपको पता है कि नाउन क्या होता है जो एक पर्सन को प्लेस को थिंग को या कोई आइडिया होता है उसको रिप्रेजेंट करता है और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है डॉग हाउस और हैप्पीनेस अब जो डॉग है ये हमारे पास एक पर्सन में आ जाता है हाउस जो है ये भी एग्जांपल है हम जब प्लेस की बात करते हैं तो हमारे पास हाउस आता है और हैप्पीनेस जो है वो एक थिंग में या एक आइडिया में आ सकती है आप नाउन में कह सकते हैं अली है अहमद है तो ये जो होता है नाउन होता है जो पर्सन को कराची है कराची आ जाता है प्लेस में थिंग में हमारे पास पेन आ जाता है तो ये बेसिकली नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकेंड हमारे पास है वर्ब अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन अकोरेंस और स्टेट ऑफ बींग क्या होता है कि जिसमें हम किसी एक्शन को बयान करते हैं किसी आ, वो किसी ऐसी चीज़ को के जो की जाए या कोई एक्शन जो परफॉर्म किया जाए फॉर एग्ज़ाम्पल रन ईट राइड अब जो रन है भागना ये काम है ईट जो है खाना ये भी एक काम है राइड जो है ये भी एक काम है एक्शन है, है, है तो जिसमें हम किसी काम को किसी एक्शन को शो करते हैं वो हमारे पास वर्ब आता है नंबर थ्री वी हैव एडजेक्टिव अब इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना इसमें डी साइलेंट है इसको एडजेक्टिव पढ़ना है एन एडजेक्टिव मोडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रो नाउन यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता है किसके बताता है नाउन की या प्रो नाउन की फॉर एग्जाम्पल बिग पी जैसे हम कहते हैं एन ऐप्पल एन एप्पल में जो एप्पल है वो हमारे पास एक नाउन uh, हो गया है तो जब हम कहते हैं आ बिग एप्पल तो बिग जो होता है वो क्वालिटी होगी किसकी क्वालिटी होगी एप्पल की uh, और एप्पल हमारे पास क्या था नाउन था तो जो ये बिग है ये हमारे पास एजेक्टिव है रेड रेड क्या हो गया क्वालिटी होगी रेड ड्रेस अब ड्रेस जो है सिंपल एक सेंटेंस है जब हम कहते हैं रेड ड्रेस तो ये हमने क्वालिटी दे दी ड्रेस को ड्रेस की क्वालिटी क्या है कि वो रेड है she is looking happy 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 है quality है. अब ये कह सकते थे uh, looking, वो दिख रही है या कुछ इस तरह लेकिन हमने बोला happy वो खुश दिख रही है तो happy जो क्या है ये quality है जो हमने किसको दी एक noun को she क्या है नाउन noun, noun की क्या quality है कि वो happy है वो happy लग रही है adverb an adverb modifies or describes a verb adjective or other adverb अब और और adverb adverb जो होता है ना वो को 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 और और करता 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 है, है है. है जो होता वो इस तरह वर्ब को modify करता है फॉर example में हमारे पास आता है स्लोली वेरी क्विकली जैसे हम अगर वर्ब में करें ही इज रनिंग ठीक है ये हमारे पास वर्ब आ गया ही तो एडवर्ब में हम आ, वर्ब को मॉडिफाई कैसे करेगा ही इज रनिंग स्लोली ही इज रनिंग क्विकली अब जो क्विकली है और स्लोली है इसने वर्ब को हमारे एक्शन को और मॉडिफाई कर दिया कि भागा जो जा रहा है वो कैसे भागा जा रहा है तेज भागा जा रहा है या आहिस्ता भागा जा रहा है तो जब हम बोलेंगे ही इज रनिंग ये होगा वर्ब और जब हम बोलेंगे ही इज रनिंग स्लोली और ये होगा एडवर्ब और एडवर्ब किसको कहते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करता है अच्छे से और सम टाइम ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई उन अ प्रोनाउन इज यूज इन प्लेस ऑफ अउन टू अवॉइड रेपिटेशन एग्जाम्पल ही जैसे हम बोले गुड बॉय अहमद इजा टॉल बॉय तो ये जो ये है इसमें हम लोग बार बार नाउन यूज़ कर रहे हैं हम क्या नाउन यूज़ करें अहमद और जब हम किसी को बार बार बुलाते हैं तो हम बार बार उसके नाम से नहीं बुला सकते हम बार बार रेपिटिशन क्रिएट नहीं कर सकते जब हम एक स्टोरी लिखते हैं या एक ऐसे लिखते हैं कुछ भी लिखते हैं तो हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इससे रेपिटेशन होती है और ये बहुत बुरा लगता है तो प्रो नाउन की तो नाउन की जगह हम लोग प्रो नाउन यूज़ करते हैं ठीक है जो नाउन से पहले या बाद में बाद में बाद में भी आ सकता है और जब उन की एग्जाम्पल है उसमें आती है ही शी दे वी इस तरह लाइक अहमद इज अ गुड अहमद इज गुड बॉय ही इज टॉल बॉय ठीक है अब इसमें मैंने दो सेंटेंस यूज किए और एक में मैंने बोला अहमद और सेकेंड में मैंने बोला ही मैंने ये नहीं बोला अहमद इज अ गुड बॉय अहमद इज अ टॉल बॉय मैंने बोला अहमद इज अ गुड बॉय ही इज अ टॉल बॉय ठीक है तो जिसमें हम लोग बार बार रेपिटेशन ना करें बार बार नाउन को यूज़ ना करें बल्कि ही शी दे वी का यूज करें uh, जैसे uh, मैं बोलूँ, वी आर गोइंग आउटसाइड तो इसमें मैंने वी बोला मैंने ये नहीं बोला आयशा एंड आलिया इज गोइंग आउट साइड ठीक है मैंने नाउन नहीं बोला मैंने प्रो नाउन का यूज किया तो प्रो नाउन क्या होता है ही शी दे वी इट Uh, जैसे हम अगर एक टेबल पे या एक चेयर पे अच्छे लिखते हैं तो बार बार हम लोग ये नहीं करेंगे करें, uh, हम हम कहते हैं दिस टेबल इट हैज़ टू लैग समझ आएगी आपको हम बार बार नहीं कहते टेबल हैज़ टू लेग टेबल हैज़ टू साइड्स और हम प्रोनाउन का कर यूज़ करते हैं

किस जगह रखी गई है और ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गए तो आप फिर इस तरह से टेंस भी अच्छी तरह से समझ के उनमें ये यूज कर सकते हैं कंजक्शन कंजक्शन ज्वाइंट वर्ड फ्रेजिज और क्लाजेज फॉर एग्जाम्पल एंड बट और आपका कन्जेक्शन जो होता है वो टू सेंटेंसेज को फ्रेजेज को और क्लाजिज को आपस में जोड़ता है ठीक है uh, जैसे अगर मैं बोलूँ ही एंड शी ही एंड शी वो और वो या आई एंड ही मैं और वो तो मैं एंड का यूज़ करती हूँ मैं बार बार uh, अगर मुझे दस सेंटेंस बोल रही हूँ तो मैं दस सेंटेंस नहीं बोलूँगी बल्कि एंड का पट का और का इस तरह के कंजेक्शन का यूज़ करके अः uh, सिंपल एक uh, जो है एग्जांपल uh, दे दूंगी या एक जो सेंटेंस आप बोल दूंगी आई एंड शी आई एंड शी इज गोइंग टू आउटसाइड इस तरह आप कह लें तो कंजक्शन जो होता है बेसिकली ये दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है आई एम वेरी हैप्पी एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी देखा तो इसमें मतलब एंड uh, लगा के एक ही सेंटेंस यूज किया और एक सेंटेंस के एंड पे uh, हम लोगों ने uh, डाल दिया फुल स्टॉप डाल दिया हम लोगों ने दो आई एम लुकिंग हैप्पी शी इज़ लुकिंग हैप्पी हमने ऐसा नहीं किया हमने बोला आई एम लुकिंग हैप्पी एंड शी इज लुकिंग हैप्पी हम लोगों ने एक ही सेंटेंस बोला बस एंड का यूज़ करके इंटरजेक्शन एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस इमोशन और एक्सप्लीमेशन बट हैज़ नो क्रामेटिकल कनेक्शन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अब जो इंटरजेक्शन होता है ये बेसिकली हमारे जज्बात का इजहार करते हैं हमारी खुशी में या गम में जैसे फॉर एग्जाम्पल वाओ आउ छुर्रे या हम कहते हैं अलास जब हम सैड होते हैं तो इंटरजेक्शन जो होता है हमारे सेंटेंस में ये रिप्रजेंट करते हैं हमारे सेंटेंस में पता लगता है अगर ये सेंटेंस बोला जा रहा है तो ये खुशी में बोला जाता है बोला जा रहा है या हैप्पीनेस में बोला जा रहा है। तो बेसिकली ये सिंपल एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है अगर आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी होगा सेंटेंसेस बनाना और अगर इसके साथ साथ आप ट्वेल्थ टेंसेस भी सीख लेंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से इंग्लिश में जो अपनी ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन अल्लाह हाफिज